पूरे पंडाल में चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। लगभग 7 एकड़ में भोजनशाला, जिसमें प्रतिदिन भोजन चलेगा, सभी दिन रात आए हुए मेहमान जो यहाँ पर सोते हैं उनके लिए, लगभग 4 लाख लोगों के लिए बैठने की उत्तम व्यवस्था यहाँ पर की गई है। आम लोग होते हैं जिनको आने में परेशानी होती है, उनके लिए ई रिक्शे की व्यवस्था अपन अलग से करें। रूप के सभी समाज, सभी धर्म, सभी जात के लोगों का इसमें सहयोग मिल रहा है। नमस्कार, जय जोहार संगवारी। मोर नाम है दीपक सागर वंशी। मोर चैनल में आप सभी के स्वागत है। संगवारी, तो मैं अभी आया हूँ ग्राम कुरुद। कुरुद में जहाँ अभी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के शिव महापुराण कथा हुआ थे, और यहाँ का व्यवस्था है तेकर बारे में हमन जानबो। यहाँ के आयोजन करता भैया हवा, तो एकर से हमन जानबो यहाँ की व्यवस्था के बारे में, और कब से शिव महापुराण कथा स्टार्ट होने वाला है तीनों ला जानबो। तो भैया, आपके बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। स्वर्गीय श्री हीरालाल जी श्रीधर की स्मृति में श्रीमती कमला देवी श्रीधर एवं श्रीधर परिवार के द्वारा, और माननीय विधायक श्री अजय चंद्राकर जी के मार्गदर्शन पर दुर्ग के कुरुद में बड़े सौभाग्य का विषय है कि यहाँ पर शिव महापुराण का आयोजन किया गया है, जिसमें विश्व विख्यात कथावाचक परम आदरणीय परम सद्य प्रदीप मिश्रा जी कथा वाचन करने 16 तारीख से पधार रहे हैं। शोभा यात्रा आज यहाँ पर निकलेगी कलश यात्रा के साथ, उसके पश्चात आज छोड़ के कल से कथा प्रारंभ होगी। कुरुद के लिए बड़े सौभाग्य की बात है, पूरी जनता के सहयोग से एक विशाल पंडाल यहाँ पर बनाया गया, जिसमें बाहर के कारीगर आकर पंडाल बनाए गए हैं। लगभग 4000 लोगों के लिए एक विशेष व्यवस्था, उसके बाद 10000 लोगों के लिए, उसके बाद और लोगों के लिए, लगभग 4 लाख लोगों के लिए बैठने की उत्तम व्यवस्था यहाँ पर की गई है। इसके अतिरिक्त भी अगर लोग आ जाते हैं तो 2 लाख लोगों के लिए और व्यवस्था की गई है। लगभग 20 एकड़ में केवल जो कथा सुनने वालों की व्यवस्था है उनके लिए 20 एकड़ पूरे मैदान में व्यवस्था की गई है। लगभग 7 एकड़ में भोजनशाला, जिसमें प्रतिदिन भोजन चलेगा, सभी दिन रात आए हुए मेहमान जो यहाँ पर सोते हैं उनके लिए, लगभग 10 एकड़ में भोजनशाला है। शौचालय का निर्माण इसमें अलग से किया गया है, जो कि लगभग 7 एकड़ जमीन पर शौचालय का निर्माण है। तो लगभग पूरे टोटल पंडाल और शौचालय और भोजनशाला मिलाकर 60 एकड़ जमीनों में यहाँ पर पूरे भोजन और कथा और शौचालय की व्यवस्था की गई है। पूरे कुरुद के सभी समाज, सभी धर्म, सभी जात के लोगों का इसमें सहयोग मिल रहा है। पूरी कुरुद की जनता इस कार्यक्रम को देखने के लिए आतुर है और अपने तन मन धन से सहयोग कर रही है। भैया, आपके परिचय देते थोड़ा। मैं योगेंद्र कुमार शर्मा, श्रीधर परिवार का भांचा, बंटी, दुर्ग। भैया, तो यहाँ शिव महापुराण कथा में लोगन मन सुने और बहुत दूर दूर से भी आते, तो ओकर लिए पार्किंग व्यवस्था कहाँ कहाँ रखी है, और का ई रिक्शा की भी सुविधा है जो पैदल यात्री आते ओकर मन पर? यात्रियों के लिए देखिए, लाखों की तादाद में पब्लिक आएगी कि, तो लाखों की तादाद के लिए अपन व्यवस्था नहीं की है। कुछ विकलांग लोग होते हैं जिनको आने में परेशानी होती है, उनके लिए ई रिक्शे की व्यवस्था अपन अलग से करें। जी, कहाँ से मतलब ई रिक्शा की सुविधा है? लगभग 2 किलोमीटर दूर पार्किंग को रोका जा रहा है, क्योंकि पूरी जनता पैदल चलती है इसमें, तो जो पैदल चलने वाली जनता है उनको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। गाड़ी में चढ़ने वाले कुछ होते हैं, पैदल चलने वाले ज्यादा होते हैं, तो पैदल चलने वालों को किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो, इसलिए दूर दूर पर पार्किंग स्थल बनाया गया। पार्किंग स्थल भी एक निश्चित स्थान नहीं है, चारों रस्ते में चारों तरफ अलग अलग पार्किंग स्थल है। पूरे छत्तीसगढ़ में ये पहली कथा होगी जिसमें आप देखेंगे कि चारों कोने में अलग अलग जगह पार्किंग बनाई गई है, किसी को किसी प्रकार से अव्यवस्था ना पहले आवागमन बाधित ना हो, इसलिए चारों स्थान पर अलग अलग पार्किंग हम करें व्यवस्था। जी, और भोजन भोजनालय की व्यवस्था देखे जाते पंडाल से, तो कितना दूरी में कोई? लगभग 200 मीटर बस दूर है, 1 किलोमीटर भी नहीं है, लगभग 200 मीटर दूर है। रोड के इस पार पंडाल लगा है कथा सुनने का, रोड के उस पार पंडाल लगा है भोजनशाला का, जिसमें लगभग 50,000 से 1 लाख लोगों की प्रतिदिन की भोजन की व्यवस्था है। जी भैया, सुरक्षा के क्या व्यवस्था है अभी यहाँ, जैसे सीसीटीवी कैमरा की व्यवस्था है कि? पूरे पंडाल में चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, पूरा पुलिस प्रशासन का हमको सहयोग मिल रहा है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से जो आवागमन और सुरक्षा की दृष्टि से सारी व्यवस्थाएं पुलिस प्रशासन और शासन और प्रशासन के द्वारा की जा रही है, माननीय अजय चंद्राकर जी के मार्गदर्शन में। जी सर, और वॉलंटियर कितना जन हुई यहाँ, जैसे कि बहुत जन श्रद्धालु आते, तो कुछ कुछ मतलब पता भी नहीं रहा है उसके बारे में, बताया पर वॉलंटियर के काम पंडाल में भोजनशाला, शौचालय, पंडाल और हमारा कंट्रोल रूम, ये मिलाकर लगभग 2000 कार्यकर्ता यहाँ पर बैच लगाकर घूमेंगे। जिनको किसी भी प्रकार की अव्यवस्था होगी तो तत्काल वह उन कार्यकर्ताओं से संपर्क करेंगे। सर, जैसे कि अभी हमने देखा था ये मुख्य मंच है जहाँ से
कथा वचन होना है, उसके बाद तीन दो सेक्शन और अलग से बने हैं, वो कौन कौन सा सेक्शन है? ये थोड़ा हमारे कुरुत के जो कार्यकर्ता लोग आए हुए हैं, कार्यकर्ता लोगों के लिए एक अलग से व्यवस्था कर रहे हैं, जो दिन रात मेहनत करके पंडाल बनाने में मेहनत की है, भोजनशाला मेहनत की है, उसके पश्चात अभी लगातार मेहनत करेंगे, सेवा देंगे, उनके लिए एक अलग से बैठने की व्यवस्था हम कर रहे हैं। एक कुरुत में पहली बार से महापुराण कथा हुआ था, तो एक तैयारी कब से रही से तिल्ला बताते हो कैसे टाइम आप सौभाग्य प्राप्त हुई? लगभग एक महीने से इस पंडाल की व्यवस्था की जा रही है, लगभग एक साल पहले से पूर्व से कथा निर्धारित है। स्वर्गीय श्री हीरा लाल जी श्रीधर की स्मृति में जो कथा हो रही है श्रीधर परिवार के द्वारा, वह पूरा आयोजन जो है पूरे कुरुत में हो रहा है। कुरुत की जनता इसके लिए पूरी तरीके से आतुर है और एक साल से धर्म की गंगा पूरे शहर में पूरे जिले में बहे, धर्म का हर घर घर में वाचन हो, शिव महापुराण की कथा घर घर में हो, इसलिए यह आयोजन हो रहा है। धर्म की गंगा बहे यही मात्र उद्देश्य हमारा है। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो संगवारी अभी आप मन देखे हो भैया सेवन पूरा जाने हैं पंडाल की व्यवस्था का सुविधा आप यहाँ आ से मिल सकते, तो वीडियो कैसे लगी इस कमेंट करके जरूर बताओ। अभी बस इतना ही। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।